प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया सबको, जय मसीह की। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ब्लेस करता हूँ और द रोज ऑफ शरण गॉस्पेल कोर में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज गुड फ्राइडे है, तो आज हम थोड़ा इस दिन के ऊपर कुछ मनन करेंगे। तो चलिए गुड फ्राइडे के बारे में थोड़ा हम मनन करते हैं। प्रभु यीशु की क्रूस पर मृत्यु कोई भी संयोग से या अचानक नहीं हुई थी। इसके विषय में हजारों वर्षों पहले से परमेश्वर के भविष्य वक्ताओं के द्वारा लगातार भविष्यवाणी की गई थी। यह पूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ था, ताकि सारी मानव जाति के लिए उद्धार, मोक्ष या छुटकारा प्राप्त हो सके। तो गुड फ्राइडे कब और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम मनन करते हैं कि गुड फ्राइडे हर वर्ष ईस्टर संडे के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इसे शुभ शुक्रवार भी कहा जाता है। बाइबल के अनुसार इस दिन प्रभु यीशु ने सारी मानव जाति के पापों के लिए अपने प्राणों को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया था, जिससे सभी पापी संसार के लिए उद्धार प्राप्त हो सके। अब गुड फ्राइडे की छह आशीष हमें कैसे मिलते हैं और वो छह आशीष क्या है, तो ये हम वचन से जानते हैं कि गुड फ्राइडे की पहली आशीष, हमें पापों से क्षमा मिलती है। ये पहला योना 1:7 में आपको मिलेगा कि पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये हमारी पहली आशीष है आज के दिन में। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है, पहला योना 1:7। आदिकाल से सभी मानव जाति के अंदर एक अंतर्बोध है। अंतर्बोध का मतलब है कि उसका विवेक उसके अंदर से कहता है कि वह पापी है और उसकी सबसे गहरी जरूरत उसे पापों से क्षमा है, जिसके लिए वह कभी किसी नदी में जाकर डुबकी लगाता है, तो कभी कावड़ लेकर भागता है, तो कभी किसी गुरु या बाबा के चरणों में जाकर अपने सिर पटकाता है, या कई बार अपने बदले में किसी जानवर या पक्षी की बलि चढ़ाता है। इन सभी कामों से हमारे पापों की क्षमा नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। ये आपको इब्रानियों वचन 9:14 कलम में मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा अपने पापों की क्षमा के लिए और उद्धार पाने के लिए, उसका वचन हमसे कहता है। यहां हम और एक वचन को जानेंगे, रोमियो 10:13 कि वचन हमसे कहता है क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। यहां और एक वचन को हम जानेंगे, रोमियो 10:9 यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है ना। आइए हम गुड फ्राइडे की दूसरी आशीष के बारे में जानते हैं। यहाँ हम रोमियो वचन 9:5 कलम को देखते हैं कि हम ठहराए गए हैं। गुड फ्राइडे की दूसरी आशीष हमें रोमियो वचन 9:5 कलम से मिलेगी कि वचन कहता है कि हम ठहराए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, अब हम पापी नहीं रहे, हमारे पापों को अब स्मरण नहीं किया जाएगा। बाइबल हमसे कहती है यह केवल उसके लहू के द्वारा किया गया है। यदि वह अपने शरीर में कोड़े नहीं खाता
और क्रूस पर नहीं चढ़ता तो हमारे पास धर्मी ठहरने के लिए कोई रास्ता नहीं था, हमारे लिए कोई आशा नहीं होती। लेकिन अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, ये रोमियो वचन 9 की 5वीं कलम में लिखा है कि पौलुस स्वयं के विषय में कहते हैं वो तो सबसे बड़े पापी थे, लेकिन उन्हें यीशु के लहू से शुद्ध किया गया है और अब वे यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। कलवरी के क्रूस पर यीशु के चढ़ाए जाने के कारण हम सभी के पाप क्षमा हो रहे और परमेश्वर ने हम सभी को जो उस पर विश्वास करते हैं धर्मी ठहराया है। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। रोमियो वचन 8 का 33, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। रोमियो 8 का 33वां वचन ये हमें कहता है। तो गुड फ्राइडे की दूसरी आशीष के बारे में भी हमने जाना, अब गुड फ्राइडे की तीसरी आशीष के बारे में हम जानेंगे रोमियो वचन 5 की 10वीं कलम से। तो यहाँ रोमियो वचन 5 का 10 हमें कहता है कि हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 18वां भी कहता है, पाप के कारण पहले हम सभी स्वभाव से और अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के शत्रु थे, अंधकार के संतान थे, लेकिन यीशु के लहू बहाने के कारण हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। अब हम उसे अपना पिता कह सकते हैं और हम उसकी संतान बन गए हैं। अब हमारे पास अधिकार है कि हम अपने पिता परमेश्वर के पास जाकर बातें कर सकते हैं। संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि बेरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। तो यहाँ रोमियो वचन 5 का 10 हमें बताता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। अर्थात अब हर विश्वासी परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना में अपनी सभी जरूरतों को कह सकता है, क्योंकि वह कहता है, मुझे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा। ये यिर्मयाह 33 का 3 में कहता है कि मुझे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ हम इतना जान सकते हैं कि परमेश्वर हर हमेश आपके साथ रहना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। तो आइए हम गुड फ्राइडे की चौथी आशीष के बारे में जानते हैं रोमियो 8 के पहली कलम से, कि हम शापों से मुक्त हो गए हैं, हमें श्रापों से मुक्ति मिल गई है। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से हम सभी हमारे शापों से मुक्त हो गए। शैतान हमेशा हमारे पापों को दिखाकर और बीते हुए पापों को याद दिलाकर हमारे ऊपर शाप लेकर आता था, लेकिन अब जब हम मसीह यीशु में हैं, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के जादू टोना, टोटके और काला जादू नहीं चल सकता। शैतान हमारे पापों को और गलतियों को जब दिखाता है, तब हम कह सकते हैं कि यीशु के लहू से हम धुल चुके हैं, हमारे सारे पाप क्षमा किए गए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा
धर्मी ठहराए गए और उसके कोड़े खाने से हमारे रोग चंगे हो गए। हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। अब हम पर शापों का भी कोई अधिकार नहीं है। कोई आपको धोखा न देने पाए क्योंकि यीशु ने तुम्हें सभी शापों से मुक्त कर स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। तो आइए अब हम गुड फ्राइडे की पांचवी आशीष को यूहन्ना 11 की 52वीं आयत को पढ़कर हम जानते हैं। वचन कहता है, हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं। हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हमें जीवन में यह सबसे बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उसके बेटे और बेटियां कहलाना हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ये हमें यूहन्ना वचन 1 की 12वीं आयत में मिलेगा। वचन कहता है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यानी कि परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। तो परमेश्वर हर हमेशा आपके लिए तैयार है। तो हमने पांचवी आशीष के बारे में भी जाना। तो आइए अब हम गुड फ्राइडे की छठवीं आशीष को पहला पत्रस वचन 2 की 24वीं आयत से जानेंगे कि हमें चंगाई मिली है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से और कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। यहाँ पहला पत्रस वचन 2 की 24वीं आयत में हम देखते हैं कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसके मृत्यु के कारण हम चंगे हैं। वो क्रूस की कथा सारे मानव जाति को चंगाई देती है। आज भी यदि कोई उस पर विश्वास करे, उसके जीवन में चंगाई आ रही है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो चंगाई दे रहा है। पहले लोग उसे छूकर चंगे होते थे, आज केवल उस पर विश्वास करने से आप चंगे हो जाएंगे। न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक और मानसिक चंगाई भी मिली है उसके क्रूस पर मृत्यु से। तो आज के बातों का निष्कर्ष अगर हम देखें, तो हमने गुड फ्राइडे का जो मैसेज आपको बताया कि यीशु मसीह के मारे जाने से हमें हमारे पापों की क्षमा मिली है और हम धर्मी ठहराए गए हैं और हम शापों से मुक्त हो गए हैं एवं परमेश्वर के संतान भी बन गए हैं तथा हमारे सभी रोग भी चंगे हो गए हैं। तो आइए इन सभी गुड फ्राइडे की आशीषों को प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रभु आप सबको इस गुड फ्राइडे में बहुत आशीष दे। प्रभु में बने रहें, वचनों पर विश्वास करें और प्रभु के साथ जुड़े रहें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।